हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट सीटमेंट आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम और यूजीसी नेट एग्जाम के अलावा जितने एग्जाम होते हैं लाइक सेट का एग्जाम है टेट का एग्जाम है इसके अलावा जो अदर एग्जाम्स होते हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर एक कॉमन टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट फॉर पार्ट फॉर योर एग्जाम सो गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि हम यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ करके इन चीज़ों को समझेंगे करंट अफेयर जो भी हम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन समझेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को इजिली अटैप्ट कर पाए माई नाम इज मोहम्मद आजम आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन जे जी एस आई यूनिवर्सिटी न्यू डेली एंड दिस इज माई क्वालिफिकेशन गाइज वन मोर थिंग मैं इस चैनल पे आपको यू जी सी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेलाइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी डिले ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वैन द नेशनल एजुकेशन डे वैन नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया इंडिया में नेशनल एजुकेशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है सो so यहाँ पर ऑप्शनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं इलेवंथ ऑफ नवंबर को तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनिशन नवंबर इलेवंथ हैज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल एजुकेशन डे सिंस टू थाउजेंड एट दो हजार के बाद से ही हमने नेशनल एजुकेशन डे मनाना स्टार्ट किया है इंडिया में ओके एंड द डेट हैज बीन चोजन टू बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अबुल कलाम आजादी सेवनिल से एक्सप्लेनेशन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जरूरी नहीं की सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए क्या पता है एग्जाम में पूछ लें आपसे कि बताओ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था इंडिया का तो आपको पता होना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे जिनके आ, बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं ठीक है तो इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन समझना भी जरूरी है ताकि आपको आ, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड कोजिली अटेम कर पाएस आई थिंक सभी को समझ में आया होगा इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे दैट इज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ द आर बी आई विच सर्विस इज टू बी मेड अवेलेबल राउंड द्रॉम दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी December 2020 के बाद से राउंड क्लॉक मतलब ये जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट गे आपके ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के मैथड है एनई एफ टी है आर टीजीएस है आई एम पी एस है सारे, सारे के सारे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के मैथड है और ये बीबीपीएस है दैट इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम तो यहां पर आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट की है वो आर टी एच आर टीजीएस से रिलेटेड है बट आपको फुल फॉर्म सभी की पता होनी जरूरी है ओके okay, तो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दी है एफ e. की फुल फॉर्म क्या है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आर की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आई एम पी इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस एंड बीबीपीएस मींस भारत बिल पेमेंट सिस्टम सो गाइस इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज थालैंड अनाउंसड इट हैज प्रोसेस्ड टू टेस्ट इट्स नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल और बर्ड थाईलैंड ने किस पे इसका जो है वैक्सीन जो है नोवेल कोरोना उसपे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया इज मंकी so पे इन्होंने जो है नोवेल कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उस पर टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आफ्टर सींग पॉजिटिव रिजल्ट इन माइस नाउ थाईलैंड अनाउंस डेट इट हैज प्रोसेस्ड टू टेस्ट इट्स नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन मंकीज दी वैक्सीन यूज मैसेजर आर एन ए टेक्नोलॉजी टू वीक एन द स्ट्रेन ऑफ द वायरस एंड प्रोड्यूस एंटीजन टू फाइट विद द वायरस फ्रॉम द रूट ओके सो यहां पर इन्होंने पहले क्या किया था पहले माइस पे किया गया था चुहे पे किया गया था और अभी इसके बाद वो मंगी पे कर रहे हैं चूहे पे सक्सेसफुल होने के बाद वो मंगी पे कर रहे हैं ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज

तो जो प्लाज्मा थेरेपी है ऑन और, और कौनसल से, प्लाज्मा अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड 19 पेशेंट टू तो ए कोरोना वायरस पेशेंट हु इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन ओके सो जो बंदा रिकवर कर गया जो पर्सन रिकवर कर गया कोविड नाइनटीन से उसका ब्लड लेकर के हम कोरोना प्लाज्मा थेरेपी का यूज करके हम ट्रीटमेंट करते हैं जो कि एक क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है कोरोना वायरस का पेशेंट ठीक है सो यहां पर एक चीज आपको यह समझनी है कि जो पहला ब्लड uh, बैंक बना है प्लाज्मा uh, थेरेपी को लेकर के वो कहाँ पर है सॉरी डेली uh, में डेली गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड दिस इज द बेसिक क्वेश्चन आई थिंक सभी को बताओ इसके बारे में सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज वुहान हुबॉय इज द राइट आंसर इसका हुबॉई एक जगह है उसके सिटी uh, जो है वुहान वो, uh, वहां पर चाइना के अंदर इसका जो फर्स्ट केस था वो फर्स्ट टाइम देखा गया था ओके सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो गाइज आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने आंसर पता है आई मीन कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी कंट्री विल विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2020 आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया हुआ है मैंने यहां पर दोबारा डाल दिया बिकॉज दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम एग्जाम्पर्पज तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है सेंट पीटर्सबर्ग में एक जगह है जहां पर ये ब्रिक्स uh, की जो समिट है वो होनी है और जो ब्रिक्स है वो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी ट्वेल्थ ब्रिक्स समिट नवंबर इन सेंट पीटर्सबर्ग अटेटमेंट दैट दर्पज ऑफ रशियन ब्रिक्स चेयरमैनशिप इन टू थाउजेंड रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी इज एक्रोनिम फॉर ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स ओके तो यहाँ पर ये फुल uh, फॉर्म भी याद रखना जरूरी है इसके अलावा आपको डेट पता होना चाहिए किस डेट को ब्रिक्स सबमिट हो रही है और कहाँ पे हो रही है ये पता होना जरूरी है तो तीन चीजें यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना जरूरी है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी 2020 में ये तो बहुत रिसेंट का डेटा मैंने डाल दिया है इसके अंदर इतना रिसेंट जो क्वेश्चन है वो अभी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं दो चार दिन आ, दस दिन बाद उसमें आई थिंक ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा लेकिन जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा आपका जो नेट का नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा या जो भी एग्जाम आपके चल रहे हैं जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम लिए जाएंगे डेफिनेटली वहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दैट इज नाइन्टी फोर नाइन इज द राइट आंसर ये दो दिन पहले भी न्यूज में थी चीज तो मैंने मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है इंडिया रैंक द ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई जीएचआई पे ये हुआ था डेटा कलेक्ट करके जिसमें से नाइंटी फोर्थ नंबर पे इंडिया आई है टू थाउजेंड ट्वेंटी जो बनाया इंडेक्स एंड कंटिन्यूज टू बी इन सीरियस हंगर कैटेगरी थ्रू इट हैज मेड समेस पर्टिकुलरली सिंस द इनैक्टमेंट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लास्ट ईयर इंडियाज रैंक वॉज वन जीरो टू आउट ऑफ वन कंट्रीज़। एक सौ सत्रह कंट्री में हम एक सौ दो नंबर पे थे बट अभी थोड़ा सा हमने इंप्रूवमेंट करके बिकॉज हमने लास्ट ईयर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की वजह से हमने इसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस करी है okay? so यहाँ पर security, जो, कर बना है तो दो हजार उन्नीस मेंज विच कोर्स विल बी डिसूड एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनिफी टू थाउजेंड ट्वेंटी ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है सभी को पता हुआ इसके बारे में एम फिल एम फिल को डिसू किया जाएगा और अब जो एम फिल है वो खत्म हो जाएगा इंडिया में एम फिल नहीं बचेगा अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी द एम फिल प्रोग्राम वुड भी डिस्कंटिन्यूड तो बस अभी आप मास्टर डिग्री के बाद डायरेक्ट पी एच डी करेंगे ओके सो दट इज द थिंग जो कि अभी एजुकेशन पॉलिसी में डाली गई है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है तो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट आप लोगों को पता होना जरूरी है और इसके अलावा गायज मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर ऑलरेडी एक वीडियो लेकर आया हूँ मैंने उसमें ओनली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इससे हमने ट्वेंटी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट मोस्ट इंपॉर्टें मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस किए थे उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं इसी वीडियो की बात कर रहा करूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है इसी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप एक बार जरूर इस वीडियो को गो थ्रू कर लेना बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट थिंग फॉर योर एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है और हमने देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी किस फंड को सेटअप करने की बात की गई है 2020 ट्वेंटी के अंदर तो यहाँ पर जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है और बहुत जरूरी है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेशनल एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड स्पेशल जोन फॉर डिसएडवांटेज रीजन एंड ग्रुप्स तो यहाँ पर दो चीजें हैं स्पेशल एजुकेशन जोन भी बनाने की बात की गई है ठीक है और इसके अलावा जनरल जेंडर इंक्लूजन फंड की बनाने की भी बात की गई है तो यहाँ पर दो चीजें हैं जो आपको पता होने जरूरी है दोनों चीजें बता दी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द अभी कुछ टाइम पहले ये न्यूज में था क्योटो प्रोटोकॉल तो मैंने लग, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, यहां पर जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किस चीज के लिए जाना जाता है किस चीज रिलेट करता है सो दैट इज नॉन फॉर रिडक्शन इन कार्बन एमिशन इसी के लिए इसको बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल और क्योटो जो है एक जगह का नाम है जापान में उसी के नाम से ये बनाए सो क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड सियोटू एमिशन एंड द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जी एच जी इन द एटमोस्फेयर दल टीट ऑफ दोटोकॉल वॉज दैट इंडस्ट्रियलाइज ने अमाउंट ऑफ दियर सीओ टू एमिशन आई थिंक होगा ये मतलब अमाउंट को कम करना है सीओ टू को कम करना है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोयोटो प्रोटोकॉल सो बार हम कोयोटो प्रोटोकॉल को समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ यू से इंपॉर्टेंट है ये तो कोयोटो प्रोटोकॉल वॉज एडेप्टेड इन कोयोटो जापान ये जापान में जगह है कोयोटो करके वहां पर इसको बनाया गया था 11 दिसंबर 1997 एंड इंटरर्ड इनटू फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005 इस डेट को ये बना था और इफेक्टिव कब हुआ ये इंटरर्ड इनटू फोर्स मतलब इफेक्टिव किस दिन से इफेक्टिव हुआ है 16 फरवरी 2005 से तो दोनों डेट पता होना जरूरी है कि बना तब था और इफेक्टिव इस डेट को हुआ है ये देयर आर करेंटली 192 पार्टीज canada withdrawal from the protocol effective december 2012. May, canada uh, to the protocol. so the kyoto protocol implemented the objective of the un the to reduce the onset of global warming by reducing greenhouse gases, gas concentrations in the atmosphere to a level that would prevent a dangerous at, anthropogenic interference.

कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अमस्ट आफ्टर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कंसेप्ट है वो कब आया था कब बना था तो यहां पर अर्थ सबी नाइनटी टू में बना था यह तब से इस कंसेप्ट को जाना गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज होती है दुनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो नॉन एज द रियो डी जेनेरियो जेनेर अर्थ सबिट द रियो समिट द रियो कॉन्फ्रेंस एंड द अर्थ समिट मतलब बहुत सारे नाम है। आप देख सकते हो तो रियो सब्मिट के नाम से भी जाना जाता है रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है इसके अलावा अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है तो आपको डेट पता होना जरूरी है इसके दूसरे नाम क्या है रियो सबमिट के नाम से भी जाना जाता है तो ये पता होना जरूरी है और ये क्वेश्चन का तो आंसर है so guys, think, uh, सभी को पता चल गया होगा कि अर्थ सब्मिट कब बना था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एमर्ज uh, जो, okay? so, uh, जो है वो यहीं से बनाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर विच ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी वर्ल्ड बैंक का कौन सा जो है इसके अंदर इंस्टीट्यूशन पार्ट नहीं है तो आईबीआईडी पार्ट है आईडीओ पार्ट है एफ सी पार्ट है डब्ल्यू टी ओ पार्ट नहीं है डब्ल्यू टी इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ओके तो यहां पर समझ लेते हैं एक बार हम लोग डब्लू टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और, right और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज कम्प्राइज ऑफ द फाइव इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट पे इजी था इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का एंड मल्टीलेटर इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी दैट इज मीगा एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट दैट इज आईसीएसआईडी ये पांच इंस्टीट्यूशन जो हैं ये सारे के सारे जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के पार्ट हैं so, सो आई थिंक सभी को पता चल गया होगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन डेट आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है तो थर्टी अप्रैल जो है डेट दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अप्रैल को ये मनाया जाता है तो आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन तीस अप्रैल द डे एम्स टू प्रमोट अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज इन रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन दोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटाबेस इट विल ऑल्सो प्रमोट हेल्थ स एंड प्रोवाइड इंश्योरेंस बेनिफिट टू दुअर सो थिंक सभी को पता चल गया होगा कब बनाया जाता है और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजीसी रिलीज गाइडलाइन फॉर एग्जामिनेशन एंड अकेडमिक कैलेंडर फॉर यूनिवर्सिटीज इन द विक नाइनटीन आउटब्रेक अभी रिसेंटली उन्होंने वेन वॉज यूजीसी फॉर्मड यूजीसी कब बना था तो आपको ये बताना है आई थिंक ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बनाता है इस बारे में सभी को पता होगा

सो आई थिंक सभी को पता चल गया होगा यूजीसी कब बना था और इसका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इज गूगल लॉन्च विच एप टू हेल्प पीपल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग गूगल ने कौन सी एप लॉन्च करी है तो आपको जरूरी जरूरी है है इंडिया में जो ऐप लॉन्च हुई है सभी को पता होगा और नहीं आप लोगों को आई थिंक सभी को पता होगा कि इंडिया में कौन सी ऐप लॉन्च हुई है तो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन सी ऐप लॉन्च की है इंडिया ने फोर कोरोना वायरस और गूगल ने कौन सी ऐप लॉन्च करी है मैं आपको बता रहा हूँ गूगल ने लॉन्च की ऐप सोडार

वीडियो ब्लॉगिंग जो है वो लॉन्च uh, किया है तो वो किस चीज से रिलेट है रिलेटेड है और उसका नाम क्या है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज माई लाइफ माई योगा ये इस नाम से है दैट इज वीडियो ब्लॉगिंग सो ये इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च माई लाइफ माई योगा अ वीडियो ब्लॉगिंग कॉम्पिटिशन वाईल एड्रेसिंग द नेशन ऑन इन ट्वेल्थ एपिसोड ऑफ मन की बात जीरो ऑन थर्टी फर्स्ट को समझ में आ गया होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल ओपन ऑनलाइन कोचिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च बाई स्पोर्ट्स अकेडमी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहला अपने इंडिया का पहला नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है तो उसका नाम क्या है नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला दैट इज ऑप्शन नंबर बी और ये बहुत ही अच्छी चीज है बिकॉज ये जो है हमारे इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है जब इन्होंने ऐसी कुछ इस तरह की चीज लॉन्च की हो ई पाठशाला खेलो इंडिया ई पाठशाला करके So this is the most important thing for sports. Sports Authority of India, the apex national sports uh, body of India, in association with the National Sports Federation, has launched India's first ever national-level open online coaching and education program called Khelo India E-Partsala to grassroots players. Minister of Youth Affairs and Sports Kiran Raju and Union Minister of Tribal Affairs and Archery Association of India President Arjun Munda have inaugurated the program via.

Prime Minister Narendra Modi launched Champions, the technology platform on 1st June. The platform aims to, aims to empower micro, small, and medium enterprises. It is an information and communication technology-based system. The entire ICT architecture is created in-house with the help of the National Informatics Centre at no cost. Okay, so Champions portal will enhance the smaller units by solving their grievances, grievances and it also aims to encourage support, help the MSMEs. इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रियल वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन ऑफ एमएसएमई मिनिस्ट्री तो यहाँ पर एमएसएमई के लिए कुछ किया है टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड है तो ये इम्पोर्टेंट मुझे लगा तो मैंने डाल दिया यहाँ पर ओके सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एन टी यूजीसी ने टारगेट बेस्ड नोट मेरे पास अवेलेबल है टारगेट बेस्ड से मतलब है कि जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में सिमिलर उसी टाइप की जो चीजें इसके अंदर हमने डाली हुई है ओके okay? सो so, यहाँ पर हमने हर एक यूनिट को कवर किया है पेपर वन की बात कर रहा हूँ मैं पेपर वन के अंदर हमने हर एक यूनिट को हर एक टॉपिक को कवर किया है और इसके अलावा हमने हर एक यूनिट के पीछे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगा दिए हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू एग्जाम परपज आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड एट दी एंड हमने प्रीवियस ईयर के पेपर लगा दें विद सोल्यूशन सो दैट इज मोर देन इनफ टू स्कोर गुड मार्क्स इन पेपर वन आपको एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए सो so, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं डेफिनेटली तो नोट्स के कुछ चार्जेस हैं ये हार्ड कॉपी में नोट्स अवेलेबल है इस गिवन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल के थ्रू इन नोट्स के रिगार्डिंग क्वाइरी कर सकते हैं मैं आपको कुछ पेजेस अगर आप चाहते हो तो मैं कुछ पेजेस डेमो नोट सेंड कर दूंगा अगर आपको अच्छे लगते तो आप मुझसे इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं आपके घर पर चार से पाँच दिन में थ्रू स्पीड पोस्ट आपके घर पर पहुंच जाएंगे सो so गाइज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो जिनकी एग्जाम अभी होने बाकी हैं